हमारे साथ है रमेश कुमार मिश्रा, जिन्होंने वेंडर्स की तरफ से पिटीशन डाली है हाई कोर्ट में। वेंडर्स जो कि परेशान हैं, उनकी क्या समस्या है और किस बात को लेकर ये पिटीशन डाली गई है, इनसे बात करते हैं। सर, अगर बात करें यहाँ पर स्ट्रीट वेंडर एक्ट की, तो उसको दरकिनार किया गया है, और जो समस्याएं हैं वेंडर्स की, क्या एग्जैक्टली उनकी समस्या है? देखिए, इस कानून में जो कि 2014 में आया, स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट जिसको कहते हैं, इसमें एक सर्वोपरि इसमें प्रावधान ये है कि एक टाउन वेंडिंग कमेटी की शहर में गठन किया जाएगा। वही टाउन वेंडिंग कमेटी इस पूरे मामले को, सारे स्ट्रीट वेंडिंग एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करेगी। उस कमेटी में 40% लोग जो होंगे वो वेंडर्स के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, उनके इलेक्टेड, उनके चुने हुए लोग होंगे। लेकिन ये टाउन वेंडिंग कमेटी 2014 में लॉ के बनने के बावजूद आज तक बन ही नहीं पाई। इसके नहीं बनने की वजह से जो कानून में प्रावधान था कि सबों का सर्वे होना चाहिए सबसे पहले, और आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए कि कौन कौन से एग्जिस्टिंग वेंडर हैं आज पूरे दिल्ली में या पूरे इंडिया में, वो लॉ सेंट्रल लेजिस्लेशन है, तो उसका सर्वे और आइडेंटिफिकेशन टाउन वेंडिंग कमेटी को ही करना था। जब टाउन वेंडिंग कमेटी बनी नहीं तो सर्वे आइडेंटिफिकेशन हुआ नहीं। कानून कहता है कि जब तक इनका सर्वे आइडेंटिफिकेशन ना हो जाए तब तक किसी को हटा नहीं सकते, ना किसी को इविक्ट कर सकते, ना किसी को रिलोकेट कर सकते। लेकिन व्यापक पैमाने पे पूरे दिल्ली में लोगों को, सारे वेंडर्स को हटाया जा रहा है चारों तरफ से, कई एक नाम पे, कि इंक्रोचमेंट हटाने के नाम पे, या सीलिंग मैटर में भी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया था। फिर हम सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लेरिफाई किया कि जिनको भी इस टाउन वेंडिंग कमेटी को बनाने में वोट डालने का अधिकार है, या जो 2007 में जिन्होंने अप्लाई किया है, उनको नहीं छेड़ा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर उनके खिलाफ में अप्लाई नहीं करेगा। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। तो टाउन वेंडिंग कमेटी यहाँ पर बननी है, कमेटी का इलेक्शन होना है, लेकिन जो वेंडर्स हैं, जो अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनना चाहते हैं, वो अपने अधिकार का यहाँ पर प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी करप्शन हावी हो रहा है। इसी को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। हालांकि हाई कोर्ट इसकी सुनवाई करेगा 25 तारीख को, और एफिडेविट भी फाइल करने को बोला गया एमसीडी को। अब देखना ये होगा कि आगे क्या कुछ होता है, क्या वेंडर्स को राहत मिलती है या फिर नहीं। मैं सुचित्रा मुखर्जी, टोटल न्यूज़ के लिए दिल्ली से, वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ।